यदि विद्वानों के मत में विरोध दिखाई दे तो अपने विवेक से काम लेना ही अच्छा है। पुस्तक की एक कहानी से। पुस्तक का नाम विवेक का आश्रय। पुस्तक परिचय। बालक के चरित्र निर्माण की शुरुआत बाल्य अवस्था से ही आरंभ हो जाती है, अतः माता पिता, अध्यापक और अन्य परिवारजनों का यह कर्तव्य बनता है कि वे उन्हें श्रेष्ठ साहित्य एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। परंतु बालकों को निर्देश नहीं दिए जा सकते। कथा कहानियों के माध्यम से उन्हें श्रेष्ठ बातें समझना आसान होता है, क्योंकि वे उन्हें सरल और रोचक लगती हैं। साथ ही बालपन में सुनी गई कहानियाँ हम सबको सदा याद रहती हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसके माध्यम से जीवन में काम आने वाली किंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातों को लेखक ने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। बालकों के व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण के लिए उन्हें किन किन बातों को अपनाना चाहिए और किन बातों को त्यागना चाहिए, इस पुस्तक में बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। पुस्तक के कुछ अंश। जब किसान ने महाराज को भगवान के सामने हाथ फैलाकर मांगते देखा तो उसने सोचा, जब भगवान ही सबको देता है तो मनुष्य से क्या मांगा जाए। तपस्या के प्रभाव से विश्वामित्र नई सृष्टि रच सकने में समर्थ हुए। उनके अहम पर विजय तथा तपोबल से अर्जित सामर्थ्य ने उन्हें ब्रह्म ऋषि पद से सम्मानित किया। अन्य रस छोड़े जा सकते हैं, पर स्वाद बड़े बड़ों की साधना चट कर जाता है। जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता ही है, साथ ही वह जीवन में बड़े बड़े प्रलोभनों से भी बच जाता है। इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अंत समय तक यह ज्ञान नहीं हो पाया कि क्यों वे इस धरती पर जन्मे, क्या उन्हें करना है। मखौल में ही जिंदगी काट देते हैं। परस्पर प्रेम और सहकार से भरा हुआ परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। ऐसी बीमारी जो किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो सकी, वह एक सुंदर विचार से ही ठीक हो गई। सोचने का तरीका बदला गया था। जिस प्रकार पत्थर सिर पर रखकर चोटी तक पहुंचने में समर्थ नहीं हुए, उसी प्रकार जीभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जैसे मन के दोष दुर्गुणों का भार ढोता हुआ ईश्वर दर्शन में सफल नहीं हो सकता। यदि ईश्वर तक पहुंचना हो तो मन के सभी दोषों को हटाना पड़ेगा। जिस दिन ये पत्थर हट जाएंगे, उस दिन मनुष्य अपने आप आनंदित हो उठेगा। महामानव स्वार्थ, पद, प्रतिष्ठा से दूर रहकर समाज की सेवा में लगे रहते हैं। आत्मज्ञान होने पर भेद विभेद नहीं रहते। सूक्ष्म दृष्टि हो जाने पर स्थूल जगत के भेदभाव नहीं रह जाते। वे एक ही समुद्र की लहरों से निर्मित बुलबुले नजर आते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। विवेक का आश्रय, सहज शालीनता, स्वावलंबी बालक, मांगूंगा तो भगवान से, जीवन से सुंदर और कुछ नहीं, नम्रता की शिक्षा, सफलताएं टिकी हैं प्रचंड मनोबल पर, चिंता से छुटकारा, पहले आत्मबल तब वरदान, सच्चा आत्मज्ञान।